जीएसटी में सवाल आपके जवाब हमारे की एक और कड़ी में आप सबका स्वागत है। इस कड़ी में हम बात करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण जीएसटी क्वेरीज और उनके पॉसिबल सॉल्यूशंस की। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि इस वीडियो में आपको मिल सकते हैं आपकी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेरीज के जवाब। क्वेरी नंबर वन, लास्ट ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर 2021 में 2 लाख रुपए की इनपुट टैक्स क्रेडिट 21-22 में ली थी और अकॉर्डिंगली फाइनेंशियल ईयर 2021 के एनुअल रिटर्न में शो भी किया था। जीएसटीआर 9 में फाइनेंशियल ईयर 21-22 की ऑटो पॉपुलेटेड आईटीसी 5 लाख है। अब फाइनेंशियल ईयर 21-22 में एज पर बुक्स हमारी इनपुट टैक्स क्रेडिट 3.5 लाख है, जिसमें से भी 50,000 की इनपुट टैक्स क्रेडिट हमने 22-23 में ली थी। तो अब इस पूरे ट्रांजेक्शन्स को जीएसटीआर 9 में कैसे शो करें? जीएसटीआर 9 की टेबल 6 में इनपुट टैक्स क्रेडिट आपके एनुअल 3B में से ऑटो पॉपुलेट होकर आएगी और ये नॉन एडिटेबल है। अब टेबल 6B में आपको बाइफर्केशन देना है। टेबल 6B में करेक्ट रिपोर्टिंग के लिए पहले तो आप 21-22 में टोटल क्लेम्ड आईटीसी में से फाइनेंशियल ईयर 2021 की कैरिट फॉरवर्ड इनपुट को लेस कर दीजिए। अगर आपकी 21-22 में अवेल की गई टोटल आईटीसी 5 लाख है, तो इसमें से 2 लाख की आईटीसी तो 2021 से रिलेट करती है जो आप 21-22 में कैरी फॉरवर्ड करके गए थे। तो नेट इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम बाय यू इन फाइनेंशियल ईयर 21-22 विल कम टू 3 लाख ओनली, जो आपको टेबल 6B में शो करनी है। रिमेनिंग बैलेंस आईटीसी यानी 1 लाख नेगेटिव में शो हो जाएगी, जिसे आप टेबल 6M में शो कर सकते हैं। अब फाइनेंशियल ईयर 21-22 की नेट आईटीसी 3 लाख है, लेकिन एज पर बुक 3.5 लाख है और 50,000 की आईटीसी को आपने फाइनेंशियल ईयर 22-23 में क्लेम किया है। तो अकॉर्डिंगली आपको 50,000 की आईटीसी जो आपने 22-23 में क्लेम की है, उसे टेबल 8C और टेबल 13 दोनों में शो करनी होगी। क्वेरी नंबर 2, फाइनेंशियल ईयर 2021 की आउटवर्ड सप्लाईज को फाइनेंशियल ईयर 21-22 में 3B में डिक्लेयर किया था, जिसे फाइनेंशियल ईयर 2021 के एनुअल रिटर्न में भी टेबल 11 और टेबल 14 में शो कर दिया था। अब फाइनेंशियल ईयर 21-22 के जीएसटीआर 9 में टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाईज को कैसे प्रेजेंट करें, जिसमें फाइनेंशियल ईयर 2021 की आउटवर्ड टैक्स सप्लाईज भी इंक्लूड होकर आ रही है। आपने फाइनेंशियल ईयर 2021 की आउटवर्ड सप्लाईज जो उस ईयर की 3B में आप नहीं दिखा सके थे, को फाइनेंशियल ईयर 21-22 में शो कर दिया था, जिसे आप फाइनेंशियल ईयर 2021 के एनुअल रिटर्न में डिक्लेयर भी कर चुके हैं। अब आपको फिर से इस सप्लाई को डिक्लेयर करने की जरूरत 21-22 में नहीं है। टेबल 4 ऑफ जीएसटीआर 9 में आप फाइनेंशियल ईयर 2021 की आउटवर्ड सप्लाई जो आपने 21-22 में दिखाई थी, उसे लेस करके दिखाएं इंक्लूडिंग टैक्स ऑन सच सप्लाईज, ताकि आपकी 21-22 की जो एक्चुअल सप्लाई है वो वहां पर डिक्लेयर हो सके। क्वेरी नंबर टू के कंटिन्यूशन में फाइनेंशियल ईयर 21-22 की भी कुछ आउटवर्ड सप्लाईज को हमने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर यानी 22-23 में शो किया हो, तो फिर 9 में इसकी रिपोर्टिंग कैसे होगी, जबकि 21-22 की सेल में 2021 से कैरी फॉरवर्ड सेल भी इंक्लूसिव है। देखिए, ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले तो टेबल 4 में आपको 2021 से पर्टेनिंग सेल को लेस करके दिखाना होगा और फिर उसके बाद अपने 21-22 की जो आउटवर्ड सप्लाई 22-23 में शो की है, उसे टेबल 11 में डिक्लेयर करेंगे। इसके साथ ही आपको 22-23 में कैरी फॉरवर्ड की गई आउटवर्ड सप्लाईज पर जो टैक्स बना है, उसे टेबल 14 में रेस्पेक्टिव हेड्स में भी शो करना होगा। इस क्वेरी में आपने चूंकि फाइनेंशियल ईयर 2021 की आउटवर्ड सप्लाईज को 21-22 में आगे कैरी फॉरवर्ड किया था, तो आप 9 जीएसटीआर 9 की टेबल 9 में जो टैक्स पेबल आ रहा है उसे भी कम करके दिखाएं, क्योंकि इस टैक्स पेबल में तो एक्चुअली आपके द्वारा 2021 का जो टैक्स 21-22 में पे किया गया है वो भी इंक्लूड होकर रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। क्वेरी नंबर 4, यदि फाइनेंशियल ईयर 21-22 में हमारा जीएसटीआर 1 तो सही फाइल हुआ लेकिन और 3B में सेल कम शो हुई है और हमने उसका कोई अमेंडमेंट या एडजस्टमेंट 22-23 में भी नहीं किया है, तो इसे जीएसटीआर 9 में कैसे प्रेजेंट करेंगे? देखिए, ऐसे मामलों में आपको टेबल 4 को छेड़ने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि टेबल 4 में जो आउटपुट सप्लाईज ऑटो पॉपुलेट होकर आ रही है वो आपके जीएसटीआर 1 से ही आती है और आपके अनुसार आपने एज पर बुक्स जीएसटीआर 1 में सही डेटा फिल किया था, लेकिन 3B में किसी कारण से आउटपुट सप्लाई और उन पर बनने वाला टैक्स कम डिक्लेयर हुआ और बाद में कोई अमेंडमेंट भी आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में नहीं किया है, तो फिर आप टेबल 4 को एज इट इज रहने दीजिए और 3B और एज पर बुक्स आपकी जो आउटवर्ड सप्लाई है उस पर जो भी डिफरेंस आ रहा है उससे DRC 03 से पे ऑफ कर दीजिए। यदि आप 9C भर रहे हैं तो अकॉर्डिंगली रिमार्क डालना होगा और DRC 03 का रेफरेंस भी उसमें डाल सकते हैं। हमने फाइनेंशियल ईयर 2021 में ITC एक्सेस क्लेम किया था, जिसे 21-22 फाइनेंशियल ईयर में रिवर्स किया था। अब फाइनेंशियल ईयर 21-22 के जीएसटीआर 9 में टेबल 7 में रिवर्सल शो करें या नहीं, और ऐसी सिचुएशन में टेबल 6B में ITC नेट फिल करनी चाहिए या बिफोर रिवर्सल वाली फिगर को फिल करें।
अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 2021 के एक्सेस आईटीसी को 21-22 में रिवर्स किया था, तो आपने अकॉर्डिंगली 2021 के GSTR 9 में टेबल 12 में शो कर दिया होगा, तो इस रिवर्सल को आपको 21-22 में फिर से शो करने की जरूरत नहीं है। और टेबल 7 में जो रिवर्सल ऑटो पॉपुलेट होगा वो दरअसल आपका 2021 का रिवर्सल है जो आपने फाइनेंशियल ईयर 21-22 में किया है। तो आप टेबल 6 में बिफोर रिवर्सल वाला आईटीसी ही शो करेंगे जो आपने फाइनेंशियल ईयर 21-20 में एक्चुअली क्लेम भी किया था। क्वेरी नंबर 6, GSTR 1 और 3B में ऑटोवर्ड सप्लाईज में डिफरेंस हो तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? यदि GSTR 1 और 3B में रिपोर्टेड सेल में डिफरेंस है और GSTR 1 में सेल 3B से ज्यादा है तो आपको डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकता है। इसका रीजन एक्सप्लेन करने के लिए, यदि आपके पास जेन्युइन रीजन हो, यानी आपने GSTR 1 में पिछले टैक्स पीरियड का कोई अमेंडमेंट किया है जिसकी वजह से GSTR 1 में एक्स्ट्रा सेल शो हो रही है 3B के मुकाबले में, तो आप डिपार्टमेंट को अकॉर्डिंगली एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन अगर GSTR 1 की सेल सही है और 3B में ही सेल कम गई हुई है तो ऐसी सिचुएशन में आपको नेक्स्ट मंथ की 3B में या तो फिर DRC 03 से एडिशनल टैक्स लायबिलिटी को डिक्लेयर करके पे ऑफ कर देना चाहिए। क्वेरी नंबर 7, एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी जो गुड़गांव हरियाणा में सिचुएटेड है और इस प्रॉपर्टी को कंपनी एक्स द्वारा अपने डायरेक्टर्स के रेसिडेंस के लिए रेंट पर लिया गया है। कंपनी एक्स दिल्ली में रजिस्टर्ड है। 18/7/2022 से रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी जो RCM एप्लीकेबल है वो किस हेड में जमा होना चाहिए, CGST, SGST या फिर IGST? GST में प्लेस ऑफ सप्लाई रूल्स के हिसाब से इमूवेबल प्रॉपर्टी की लोकेशन ही उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाती है। अकॉर्डिंगली आपके केस में रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी गुड़गांव हरियाणा में लोकेटेड है तो POS भी हरियाणा होगा और अकॉर्डिंगली RCM IGST हेड में जमा करना होगा। तो ये थी GST से जुड़ी कुछ चुनिंदा क्वेरीज और उनके पॉसिबल सॉल्यूशंस। चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें और GST से जुड़ी ऐसी ही ताजा तरीन क्वेरीज के लिए आपका अपना दी टैक्स एक्सप्रेस चैनल देखना ना भूलें। धन्यवाद।